हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीआर फैशन। और इस वीडियो में गोटा पत्ती की इस लेस को मैं बॉबिन में भरकर बहुत ही सुंदर नेक डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। तो नेक डिज़ाइन बनाने के लिए मैं ये पेस्टिंग पेपर ले रही हूँ और इस पेस्टिंग पेपर की लंबाई 15 इंच है। और इसकी चौड़ाई 12.5 इंच है। उसके बाद हम पेस्टिंग पेपर पे गले का निशान लगाएंगे। तो पेस्टिंग पेपर के सेंटर से हम दोनों तरफ 3-3 इंच पर मार्क करेंगे। गले की चौड़ाई 3 इंच है, मतलब टोटल चौड़ाई 6 इंच होगी। अगर आप गले की चौड़ाई को बढ़ाते हैं तो आपको पेस्टिंग पेपर की चौड़ाई को भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और गले की लंबाई का निशान मैं 6 इंच पर लगाऊंगी। उसके बाद मैं इस पे गोल गले की शेप ड्रॉ करूंगी। मैंने यहाँ नेक ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद जहाँ से हमने गले का निशान लगाया है वहाँ से हम 2 पॉइंट की दूरी पर एक निशान लगाएंगे और उसके आगे 2 पॉइंट पर एक और निशान लगाएंगे। तो नेक के निशान से 2-2 पॉइंट की दूरी पे हम 2 निशान लगाएंगे। तो इसी तरह हम नेक के चारों तरफ निशान लगाकर लाइन बना लेंगे। गले के निशान से 2 पॉइंट की दूरी पे मैंने एक लाइन बनाई और फिर इस लाइन से 2 पॉइंट आगे मैंने एक और लाइन बनाई है। यहाँ लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहां से 1/2 इंच की दूरी पर निशान लगाते जाएंगे। और जैसे मैंने इन लाइंस को बनाया है वैसे ही मैं यहां 1/2 इंच की दूरी पे लाइन बना लूंगी। मैंने यहां 1/2 इंच की दूरी पे लाइन बना ली है। और फिर पेस्टिंग पेपर के सेंटर पे हमें एक सीधी लाइन बनानी है। यहां लाइन बनाने के बाद मैं यहां से 2 इंच पर एक निशान लगा रही हूं और फिर यहां सेंटर लाइन से दोनों तरफ 2-2 पॉइंट पर निशान लगाएंगे। और फिर यहां दोनों तरफ सीधी लाइंस बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे वापस 2 पॉइंट की दूरी पे 2 निशान लगाते जाएंगे। इसी तरह हमें आगे आगे निशान लगाते जाना है। इस तरफ भी मैं ऐसे ही निशान लगा लेती हूँ और फिर इन निशानों को मिलाते हुए यहाँ लाइंस बनाते जाएंगे। मैंने यहाँ से 2 पॉइंट की दूरी पे एक लाइन बनाई है और फिर इसके आगे 2 पॉइंट की दूरी पे एक और लाइन बनाई है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे 2 लाइन बना ली है। उसके बाद हमें यहाँ से 1/2 इंच की दूरी पे निशान लगाना है और लाइन बनानी है। और फिर यहाँ से 2 पॉइंट की दूरी से 2 और लाइनें बनाएंगे। तो इस तरह से हमें निशान लगाते जाना है। मैंने यहाँ से 1/2 इंच की दूरी से निशान लगाकर लाइन बना ली है और फिर यहाँ से 2 पॉइंट की दूरी पे एक लाइन बनाई है और फिर 2 पॉइंट की दूरी से एक और लाइन बनाई है।
इस तरफ भी मैंने लाइंस को बनाया है। तो अब ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा बुकरम को कट करना है। उसके बाद हम इस बुकरम को कुर्ती की उल्टी साइड पे आयरन से चिपका लेंगे। मैंने कुर्ती की उल्टी तरफ पेस्टिंग पेपर को चिपका लिया है। उसके बाद मैं इस तरह की गोटे पत्ती की लेस ले रही हूँ और फिर इस लेस को हमें खाली बॉबिन में भरना है। गोटा पत्ती को मैंने बॉबिन में भर दिया है। उसके बाद मैं ये बॉबिन केस ले रही हूँ। बॉबिन केस में ये छोटा सा स्क्रू लगा हुआ है। हमें इस स्क्रू को थोड़ा लूज करना है क्योंकि गोटे की लेस काफ़ी मोटी है, ये आसानी से बॉबिन केस से नहीं निकलेगी। तो इसलिए हमें स्क्रू को थोड़ा लूज करना पड़ेगा ताकि ये लेस बॉबिन केस से आसानी से निकल सके। तो मैं मशीन में बॉबिन केस से गोटा पत्ती यूज़ करूँगी और मशीन में ऊपर की तरफ से मैं ये वाइट कलर की नॉर्मल थ्रेड यूज़ करूँगी। मशीन में बॉबिन केस में गोटे की लेस लगी हुई है और मशीन में ऊपर की तरफ से सिंपल थ्रेड लगी हुई है। फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल सिलाई मशीन है और इसमें 16 नंबर की सुई लगी हुई है। और आप सिलाई चलाने से पहले स्टिच रेगुलेटर को 3 नंबर पर सेट करके रखें। तो अब हमने जो पैटर्न बनाया है उस पर सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले जो लाइन बनी हुई है हमें उस पर सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि इस लाइन पे हमने नेक के लिए मार्किंग की थी, तो हम इस लाइन को छोड़ देंगे। तो हमारी डिज़ाइन दूसरे नंबर की लाइन से शुरू होती है, तो हम सबसे पहले इस लाइन पे सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम इस लाइन पे सिलाई लगाएंगे और फिर इस लाइन पे सिलाई लगाएंगे। तो अब मैं इन लाइंस के ऊपर सिलाई लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सीधी तरफ से इस तरह से सिलाई आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपकी सिलाई इस तरह से नहीं आती है, लेस के ऊपर थ्रेड आ रहे हैं, अच्छे से सिलाई नहीं आ रही है, तो आप मशीन के थ्रेड टेंशन एंगल को थोड़ा कस दीजिए तो इससे आपकी सिलाई अच्छे से आ जाएगी।
तो फ्रेंड्स नेक की जो मार्किंग है उस लाइन को छोड़कर मैंने इस लाइन से सिलाई लगाना शुरू किया है। तो इस तरह से मैंने सभी लाइंस के ऊपर सिलाई लगा ली है। जिस तरह से हमने पैटर्न बनाया था बिल्कुल उसी तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ सेंटर पे जो ये लाइंस हैं मैंने उस पे सिलाई नहीं लगाई है। ये वाला जो हिस्सा है वो खाली रहेगा, इस पे सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि यहाँ पे मैं बाद में बटन्स लगाऊंगी। तो अब मैं डिज़ाइन को सीधी तरफ से पलट कर दिखाती हूँ। तो सीधी तरफ से ये सुंदर सा डिज़ाइन बन के आया है। जिस तरह से हमने पैटर्न क्रिएट किया था बिल्कुल उसी खूबसूरती के साथ हमारा ये डिज़ाइन बन के आया है। फ्रेंड्स देखिए बहुत ही फिनिशिंग से इस डिज़ाइन में सिलाई आई है। डिज़ाइन पे सिलाई लगाने के बाद मैं ये बॉबिन केस ले रही हूँ। फ्रेंड्स बॉबिन केस का जो स्क्रू पहले हमने ढीला किया था उसे अब हमें पहले जितना ही टाइट कर देना है क्योंकि अब हम बॉबिन केस में नॉर्मल धागा भर के यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं इस तरह की ट्रायंगल वाली लेस ले रही हूँ और फिर हम इस लेस को डिज़ाइन के ऊपर स्टिच करेंगे। पैटर्न बनाते वक्त मैंने इन लाइंस के बीच में आधा इंच का गैप लिया था, तो अब इन लाइंस के बीच में मैं लेस को स्टिच करूँगी। फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपनी पसंद का कोई दूसरा लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन लेस फ्लेक्सिबल होनी चाहिए जिसे आसानी से घुमाकर लगाया जा सके। और फिर यहाँ पर भी मैंने लाइंस के बीच में आधा इंच का गैप लिया था, तो मैं यहाँ पर भी लेस को स्टिच करूँगी। मैंने लेस को लाइंस के बीच में स्टिच कर दिया है। लेस को स्टिच करने के बाद मैं इस तरह के स्टोन्स ले रही हूँ और फिर मैं इन स्टोन्स को यहाँ खाली जगह पे चिपकाऊंगी। और स्टोन्स को चिपकाने के लिए मैं ये फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स आप यहाँ पे बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल सिल्वर कलर से मैच करता हुआ कोई बटन नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्टोन्स चिपकाऊंगी। फ्रेंड्स मैंने स्टोन्स को चिपका लिया है और उसके बाद मैंने कुर्ती पे नेक भी बना लिया है। तो फ्रेंड्स अब ये नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ये नेक डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है, आप भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना लेंगे। फ्रेंड्स आई होप ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह के डिज़ाइंस के वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।